नमस्ते बच्चों इस वीडियो में ये जो लेसन है बीमा मल्टीपल आई विल बी और फैक्टर क्लास फाइव का लेसन है लेसन नंबर सिक्स ये पार्ट टू है वीडियो नंबर पार्ट टू है इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं तो एक तो प्राइम नंबर ये नंबर क्या होते हैं कैसे पहचानेंगे वगैरह दूसरे हम चीज़ देखेंगे कंपोजिट नंबर थर्ड थर्ड चीज़ जो हम इसमें देखने वाले हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हम इस वीडियो में एल के बारे में चर्चा करेंगे एल के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे ठीक है और फिफ्थ है एच तो ये दोनों का एक मेथड इसका एक मेथड इसका दोनों का एक ही एक एक मेथड हम डिस्कशन करने वाले हैं तो इतनी सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो बच्चों तैयार रहिए अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन सभी बच्चों को इस इसका फायदा हो सके इसका लाभ मिल सके तो चलिए पहला है प्राइम नंबर क्या होता है प्राइम नंबर प्राइम नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर प्राइम नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन प्राइम नंबर कभी भी वन से ज़्यादा ही होता है वन प्राइम नंबर नहीं है दैट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर नेचुरल नंबर्स इसका मतलब है कि प्राइम नंबर कभी भी किसी का प्रोडक्ट नहीं होता किसी को किसी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई नंबर करके या किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके प्राइम नंबर नहीं मिलता नेचुरल नंबर ग्रेटर दैन वन दैट इज अट अ प्राइम इज कॉल्डेज कम्पोजिट नंबर ध्यान से सुनिएगा जो प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट नंबर है जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है और प्राइम कौन से हैं दैट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर नेचुरल इंटेजेंस मतलब ऐसा नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आता हो ऐसा नंबर जो प्रोडक्ट है ही नहीं कोई वो नंबर हमें कभी भी मल्टीप्लीके दो नंबर का दो मल्टीप्लिकेशन करके नहीं मिलेगा चलिए एग्जांपल देखेंगे ना तो आप ये समझ जाएंगे अब ये टेबल जो यहाँ दिया है एकदम ध्यान से देखिएगा बच्चों यहाँ पर वन तो हमें आ, आ, मतलब कंसिडर करना ही नहीं है मोर देन वन तो टू प्राइम है थ्री प्राइम है फाइव सेवन ये चारों के चारों प्राइम नंबर्स हैं जितने ब्लू कलर से किए हैं ना बच्चों ये सारे क्या है ये सारे प्राइम नंबर्स हैं ठीक है अब दिख रहे हैं आपको देखिए इलेवन प्राइम है इसका मतलब है कोई भी दो नंबर ले लो उसको मल्टीप्लाई करो आपको इलेवन कभी उसका आंसर आएगा ही नहीं इलेवन उसका आंसर मिलेगा ही नहीं थर्टीन है सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी नाइन थर्टी वन थर्टी सेवन फोर्टी वन फोर्टी थ्री फोर्टी सेवन फिफ्टी थ्री फिफ्टी नाइन सिक्सटी वन सिक्सटी सेवन सेवेंटी वन सेवेंटी थ्री सेवेंटी नाइन एटी थ्री इतने प्राइम नंबर्स है बच्चों इतने प्राइम नंबर्स हैं तो अभी कितने प्राइम नंबर से काउंट कर लेते हैं देखिएगा वन टू थ्री फो फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइन्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव तो वन से लेके हंड्रेड में ट्वेंटी फाइव प्राइम नंबर्स हैं वन से, से लेके हंड्रेड में कितने प्राइम नंबर्स हैं ट्वेंटी फाइव प्राइम नंबर्स हैं और ये प्राइम नंबर छोड़ के जितने आपको अनकलर्ड दिख रहे हैं वो सारे कंपोजिट नंबर्स हैं वो सारे कौन से नंबर्स हैं कंपोजिट मैंने बोला था ना आपको कि जो प्राइम नहीं है वो क्या है कॉम्पोजिट नंबर है जो प्राइम नहीं है जो यहाँ पर एक कलर में दिखाए गए हैं ब्लू कलर से दिखाए गए हैं वो सारे कंपोजिट वो सारे प्राइम हैं और बाकी सारे कॉम्पोजिट नंबर हैं तो दो कंसेप्ट आपको इधर क्लियर हो गए एक प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर है वो कभी भी आपको दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करके नहीं मिलता ठीक है और एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में इसके बारे में विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आंसर इज टू सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है उसका आंसर है दो और एक क्वेश्चन पूछा जाता है इवन नंबर है जो प्राइम है तो टू एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है बाकी सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं टू इज द ओनली वन इवन नंबर विच इज प्राइम ठीक है ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बता दिया अब उसके बाद है प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे फैक्टर्स हमें डिवीजन करके फैक्टर्स मिलने चाहिए लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स मतलब यहाँ हमें फैक्टर्स कौन से चाहिए सिर्फ प्राइम नंबर ही फैक्टर आना चाहिए फैक्टर में कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं चाहिए फैक्टर में कोई भी कंपोजिट कंपोजिट नंबर हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए हमें कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मतलब फैक्टर तो चाहिए ही बट वो सारे के सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए प्राइम नंबर होने चाहिए क्लेशन समझ गए अब हम कुछ नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं उसके बाद हम एल और एच देखेंगे ठीक है तो पहला एग्जांपल लेते हैं सिक्सटी का हियर वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टर्स प्राइम फाइंड प्राइम फैक्टर्स उसके लिए क्या करना पड़ेगा जैसे हमने मेथड बताई थी आपको मैंने आपको बताई थी तो यहाँ पर सिक्सटी लिखिए और सिक्सटी में आपको सिक्सटी को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है यहां प्राइम नंबर आना चाहिए आंसर है टू है ना तो कैसे करेंगे टू थ्री जा सिक्स टू जीरो जा जीरो कैसे पहचान लिए कि मैंने यहां पर सिक्सटी को टू से डिवाइड कर सकता हूं तो यहां पर मैंने बच्चों डिविजिबिलिटी बाय टू का जो रूल है उसका उपयोग किया डिविजिबिलिटी ऑफ टू रूल जो है वो रूल ये कहता है कि अगर वंस प्लेस में जीरो टू फोर सिक्स एट इसमें से कोई डिजिट होता है तो हम उसको टू से डिवाइड कर सकते हैं या उस नंबर को टू से कंप्लीट डिवीजन पॉसिबल है समझ गए तो सिक्सटी इस तरह से जीरो पकड़ लिया फिर से जीरो आ गया इसका मतलब इसको मैं टू से डिवाइड कर सकता हूँ और टेबल अगर आपको आता है तो फिफ्टीन टू जा थर्टी अब मुझे यह देखना है बच्चों फिफ्टीन को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ जो प्राइम नंबर हो तो मैं यहाँ पर उपयोग करूँगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5. ये रूल ये कहता है कि अगर वंस प्लेस में 5 या जीरो है अगर वंस प्लेस में 5 या जीरो है तो हम उस नंबर को फाइ से कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं ये रूल है तो यहाँ फाइव देखा तो मैं फाइ का टेबल बोलूँगा फाइव थ्री जा फिफ्टीन यहाँ आ गया फाइव अब ये फाइव बज गया फाइव बन जा फाइव तो मुझे सिक्सटी के फैक्टर्स क्या मिले प्राइम फैक्टर्स हैं बच्चों सारे ये टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू, 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 इंटू फाइव ये सारे कौन से फैक्टर्स हैं इसको इसको कहा जाता है प्राइम फैक्टर्स एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं इसका मतलब है बच्चों ये जितने भी फैक्टर्स मुझे मिले हैं वो सारे के सारे प्राइम हैं जितने भी फैक्टर्स मुझे मिले हैं वो सारे के सारे क्या है प्राइम है चलिए और एग्जांपल देखते हैं 84 84 चलिए 84 के प्राइम फैक्टर्स ढूंढते हैं यहां पर वंस प्लेस में फोर है तो मैं उसको मैं उपयोग करूंगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू है ना तो यहाँ वंस प्लेस है तो ये ऐसा लिखूंगा मैं यहाँ पर देखिए टू फोर जा एट टू टू जा फोर कैसे किया मैंने टू फोर एट टू टू जा फोर फिर वंस प्लेस में टू आ गया इसका मैं इसको मैं टू से डिवाइड कर सकता हूँ टू टू जा फोर टू वन जा टू अब मैं इसको टू से डिवाइड नहीं कर सकता अब मैं सोचूंगा दूसरे के बारे में तो ट्वेंटी वन सेवन के टेबल में आता है और सेवन प्राइम है ठीक है तो इसको मैं करूंगा सेवन सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन अब आपको पता है थ्री भी प्राइम है उसको हम थ्री से ही डिवाइड कर सकते हैं तो 84 फोर के प्राइम फैक्टर्स क्या है? मिले टू इंटू टू इंटू सेवन इंटू थ्री दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84. अब और एक नंबर देखेंगे हम प्राइम फैक्टर्स का वो है थर्ड एग्जांपल है हमारा प्राइम फैक्टर्स का 96. 96 के हम प्राइम फैक्टर्स जुड़ने वाले हैं तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि यहाँ पर वंस प्लेस में सिक्स है सिक्स है इसका मतलब एज पर द रूल मैं इसको टू से डिवाइड कर सकता हूँ और मैं बच्चों यहाँ ओरली डिवाइड कर रहा हूँ वो आपको आना चाहिए इसको मेंटल मैथ बोलते हैं ओरली डिवीजन आपको करना आना चाहिए तो चलिए टू लिखा मैंने टू फोर जा एट कैसे किया टू फोर जा एट नाइन माइनस एट वन आता है वन के आगे सिक्स लिख लिया सिक्सटीन हो गया टू एट जा सिक्सटीन फिर यहाँ पर आपने देखा तो एट आ गया इसका मतलब इसको मैं टू से डिवाइड कर सकता हूँ यहाँ लिखा टू 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 जा फोर टू फोर जा एट फिर मैंने वंस प्लेस में देखा तो यहाँ पर फोर आ गया फोर आया मतलब इसको मैं टू से डिवाइड कर सकता हूँ फिर मैंने यहाँ टू लिखा टू वन जा टू 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 जा फोर फिर टू आ गया तो टू सिक्स जा ट्वेल्व यहाँ टू थ्री जा सिक्स एंड थ्री वन जा थ्री कैसे क्या है आपको समझ में ना ये पूरा डिविज़न है टू फोर जाट एक वन वन बच गया सिक्सटीन हो गया टू एट जा सिक्सटीन टू ट्वेंटी फोर जा फोटी एट ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर सिक्स टू जा ट्वेल्व थ्री टू जा सिक्स एंड थ्री वन जा थ्री तो नाइन्टी सिक्स के प्राइम फैक्टर्स क्या मिल गए टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितनी बार लिखना है एक दो तीन चार पाँच बार तो ये मैंने पाँच बार लिखा इसको और लास्ट में मल्टीप्लाई करके लिखा थ्री तो बच्चों इस तरह से आपको जो नंबर आपको एग्जाम में मिलेगा उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और ये प्राइम फैक्टर्स भी इसके लिए जरूरी है देखेंगे एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड आउट करना है इसका मीनिंग क्या है इसकी डेफिनेशन क्या है ये पहले देखते हैं इन मैथमेटिक्स एलसीएम ऑफ एनी टू इंटीजर इज द वैल्यू विच इज ईवनली डिविजिबल बाय टू गि नंबर्स द फुलॉर्म ऑफ एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीस्ट कॉमन तो बच्चों एलसीएम क्या है इसको हमें ध्यान से समझना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल लीस्ट मतलब सबसे छोटा लीस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन मतलब दोनों में होने वाला एक एक वर्ड का मीनिंग समझिएगा लीस्ट मतलब क्या है स्मॉलेस्ट सबसे छोटा है ना कॉमन मतलब ये तो आप जानते ही हैं कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए और मल्टीपल आप जानते ही हैं है ना मल्टीपल के डेफिनेशन भी आपने पढ़ी है मल्टीपल मतलब होता है जो मल्टीप्लाई करके मिलता है चलिए तो और एक डेफिनेशन इसकी है बच्चों द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम ऑफ हो फाइनाइट सेट ऑफ नॉन जीरो नंबर मतलब सेट का मतलब होता है ग्रुप दो तीन चार पांच जो भी नंबर होंगे उसको ग्रुप वो नॉन नॉन जीरो जीरो मतलब उसमें कोई जीरो नहीं चाहिए अगर जीरो आ गया तो एल सी एम उसका जीरो आ जाता है इसके लिए हमें नॉन जीरो चाहिए इंटीजर तो आप जानते ही क्या होता है इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ ईच इंटीजर इन द सेट वो जो नंबर है वो सबका मल्टीपल होना चाहिए वो नंबर सबका मल्टीपल होना चाहिए कुछ एग्जांपल्स करेंगे ना तो ये डेफिनेशंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फाइंड दलशियम फाइंड द एलशियम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम इस मेथड से क्या करेंगे प्राइम फैक्ट्राइजन मेथड से फाइंड आउट करेंगे चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम टू सॉरी थर्टी सिक्स एंड फिफ्टी फोर तो वो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा फाइंड एल सी एम ऑफ थर्टी सिक्स एंड फिफ्टी फोर प्राइम फैक्ट्राइशन मेथड अभी अभी सीखा अब हम क्या करेंगे इन दोनों नंबर को लिखेंगे मतलब कैसे यहाँ थर्टी सिक्स लिखा यहाँ लिखा फिफ्टी फोर और हम अब काम करेंगे दोनों के प्राइम फैक्टर्स ढूँढेंगे एक साथ दोनों के प्राइम फैक्टर्स ढूँढेंगे एक साथ कैसे देखिए अब यहाँ पर इसके वंस प्लेस में सिक्स है इसके वंस प्लेस में फिफ्टी फोर है इसका मतलब मैं दोनों को टू से डिवाइड कर सकता हूँ ठीक तो यहाँ लिखा टू इन टू या थर्टी सिक्स ट्वेंटी सेवन टू या फिफ्टी फोर मैं बार बार कहता हूँ टेबल आपको अच्छे से आना जरूरी है अब ऐसा कौन नंबर है आपको देख के पता चल रहा है मतलब ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है सिंपल नंबर नहीं है ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जिससे हम 18 और 27 को डिवाइड कर सकते हैं और वो नंबर है थ्री थ्री सिक्स या एटीन थ्री नाइन या ट्वेंटी सेवन फुर फिर मुझे ये सोचना है कि सिक्स और नाइन इन दोनों को मैं कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ विच टू प्राइम नंबर्स शुड आई यूज टू डिवाइड सिक्स नाइन एंड द आंसर इज़ थ्री थ्री टू जा सिक्स एंड थ्री थ्री जा नाइन नाउ प्रॉब्लम हियर हेयर आराइज इज दैट देर इज नो प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड टू एंड थ्री एट अ टाइम ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जिससे हम टू और थ्री से उसको डिवाइड कर सकें यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर बच्चों आपको दोनों में से एक को ही डिवाइड करना है अब मैंने क्या कहा डिजन बाय डिजन टू टू एंड थ्री इज नॉट पॉसिबल बाय अंगल प्राइम नंबर सिंगल प्राइम नंबर से यहां तक हम डिविजन तो करते आए बट यहां पर पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर आपको दोनों में से किसी एक नंबर को ही डिवाइड करना है तो मैं टू को कर लेता हूँ सो टू बन जा टू अब यहाँ पर क्या करना है थ्री एज इट इज लिखना है क्योंकि मैं थ्री को डिवाइड नहीं कर सकता आई शुड राइट थ्री एज इट इज ये एल में आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी नंबर को ऐसे सिचुएशन आ रही है कि हम एक ही नंबर को डिवाइड कर पा रहे प्राइम नंबर से और दूसरे को नहीं कर पा रहे तब उसको ऐसे ही छोड़ना है पर ध्यान रहे बीप अटेंशन दैट बोध नंबर्स मस्ट बी प्राइम दोनों के दोनों प्राइम होते तभी ऐसा होता है नहीं तो ऐसा नहीं होता अब बच गया लास्ट लास्ट मतलब बच गया थ्री मैं थ्री यहाँ लिखूँगा अभी वन के ऊपर कोई असर नहीं होगा वन के वन ऐसे रहेगा थ्री वन जा थ्री अब मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है उसके लिए क्या करना है ये जितने भी नंबर्स आए मुझे इन सबको मल्टीप्लाई करना है मतलब टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू टू इंटू थ्री ये जो प्राइम फैक्टर्स है वॉट एवर द प्राइम फैक्टर्स आई गॉट आई हैव टू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम एज पर द रूल ऑफ एलसीएम वी शुड मल्टीप्लाई ऑल द प्राइम फैक्टर्स नाउ वॉट इज द मल्टीप्लीकेशन डू इट टू थ्री जा सिक्स सिक्स थ्री जा एटीन क्या क्या मैंने ध्यान दीजिएगा मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया टू थ्री जा सिक्स फिर सिक्स से इसको मल्टीप्लाई किया सिक्स थ्री जा एटीन अब इन दोनों को टू थ्री जा सिक्स इसको अलग मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिखा अब मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो एट सिक्स जा फोर्टी एट कैरीज फोर सिक्स वन जा सिक्स प्लस फोर टेन दिस इज एअर एलसीय दिस इज एवर फाइनल आंसर बच्चों ये आपका फाइनल आंसर है कैसे किया और एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा याद रखिए इसमें आपको दोनों नंबर को इसमें आपको दोनों नंबर को ऐसे एक नंबर से या ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है ये याद रखना है कि जिससे दोनों को डिवाइड हो जाए चलिए और एक दो एग्जांपल देखेंगे आप तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इट्स सिक्सटी एंड सेवेंटी टू सो मैं हेडिंग लिखूंगा फाइंड एलसीएम ऑफ सिक्सटी एंड सेवेंटी टू इन दोनों का करना है तो मैंने क्या कहा जैसे मैंने कहा था वैसे इसको अरेंजमेंट करना है सिक्सटी लिखो लाइन खींचो सेवन लिखो लाइन खींचो इधर एक लाइन खींचो ये वाला बस अब आपको ध्यान देना है कि इन दो नंबर को मुझे ऐसा कोई प्राइम नंबर है क्या मैं इसे डिवाइड कर सकूं? एंड द नंबर इज टू वो नंबर टू है वो कैसे पहचाना मैंने यहाँ जीरो है यहाँ टू है तो जो डिविजिबिलिटी बाय टू का रूल है उसका मैंने अप्लाई कर दिया तो देखिए टू टू थ्री जा सिक्स कैसे किया मैंने टू थ्री जा सिक्स जीरो को टू जीरो जा जीरो आ गया या थर्टी टू जी सिक्सटेप ऐसे भी कर सकते हैं नेक्स्ट टू थ्री जा सिक्स एक बज गया ट्वेल्व हो गया थ्री सिक्स जा टू सिक्स टू सिक्स जा ट्वेल्व अब फिर से मैं इन दोनों को टू से डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर दोनों भी कि ईवन नंबर्स हैं और ई नंबर्स हैं तो मैं उनको टू से डिवाइड कर सकता हूँ फिफ्टीन टू जा थर्टी एटीन टू जा थर्टी सिक्स अब मैं यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो मैं टू से इनको डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि एक तो ये वन नंबर है लेकिन दूसरा नहीं है यहाँ फिफ्टीन है यहाँ एटीन है तो मुझे अब ये सोचना है कि मैं दोनों को किस से डिवाइड करूँ जो प्राइम नंबर हो एंड यूर आंसर इज़ थ्री थ्री फाइव जा फिफ्टीन थ्री सिक्स जा एटीन अब यहाँ पर दिक्कत है यहाँ फाइव है यहाँ सिक्स है हम इन दोनों को किसी एक प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते तो पहले हम फाइव को करेंगे तो यहाँ लिखा मैंने फाइव फाइव वन जो फाइव सिक्स को टच नहीं करना बच्चों यहाँ पर यहाँ चीज़ बहुत ध्यान से सुनना है कीप इन माइंड दैट डूइंग द फैक्टराइजेशन यू शूडेंट टच दिस नंबर बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डिवाइड दिस नंबर बाय फाइव सो सिक्स नंबर एज इट इज़ विच नंबर शुड वी यूज टू डिड दिक्स विच नंबर शुड वी यूज टू डिवाइड दिक्स एंड दैट नंबर इज दैट नंबर इज टू इट प्राइम नंबर वन एज इट इज वन वन कम्स देन इट इज एंड चेंज वन एज इट इज फिर हमें डिवाइड नहीं करना है इसको छोड़ देना है क्या करना है यहाँ टू थ्री या सिक्स या फिर थ्री वन एज इट इज रहेगा थ्री वन जा थ्री थ्री वन जा थ्री आपको हाउ शुड वी कैल्कुलेट एल्सियम एल्शियम इज नथिंग बट अ कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताया था ना ये कॉमन मल्टीपल है बच्चों मल्टीपल कब कैसे मिलता है मल्टीप्लाई करके तो इसीलिए हमें सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखिए टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू टू इंटू थ्री आएगी देख लो एक बार टू टू लिख लिया थ्री फाइव लिख लिया एंड लास्ट के टू थ्री लिख लिया अब मैं इसको ग्रुप करूंगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो बहुत बार क्या होता है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं सो टू अवॉइड द कन्फ्यूजन मेक द ग्रुप ऑफ टू नंबर्स एंड डू द मल्टीप्लीकेशन टू 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 जा फोर फाइव थ्री जा फिफ्टीन टू थ्री जा सिक्स टू टू जा फोर थ्री फाइव जा फिफ्टीन टू थ्री जा सिक्स Then what should you do? Make again a group. 14, 14 5, 15, 4 ja, 60 into 6. And 16, 6 ja, 360. And this is your LCM. So, LCM of 60 and 72. LCM of 60 and 72 is. 360. So it is a common multiple, and you know that multiple is the number, we get it by the multiplication of the numbers. So hame bula. Now let's we should discuss about one more example for the LCM, and it is 90 and 135. सो एज़ पर द अरेंजमेंट वी शुड राइट नाइंटी फर्स्ट देन वन थर्टी फाइव यू कैन राइट एनी नंबर फर्स्ट एंड और सेकेंड तो आप कोई भी नंबर पहले और बाद में लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है एंड हियर यू फर्स्ट फाइंड आउट दैट विच इज़ द प्राइम नंबर दैट कैन बी यूज टू डिवाइड बोथ दिज नंबर्स कंप्लीटली और विच नंबर्स शुड वी यूज It must be prime, no doubt. It must be prime. Which number should we use to divide 90 and 135? And here I should use the rule of 1 of uh, 5 rule of divisibility by 5. And that rule says that if the number, if the 1s plus 0 and 5 is present, 0 or 5 sorry, if at 1s plus 0 or 5 is present, that number will be completely divided by 5 and by using that rule, I should divide these two numbers by 5 and here 5 1 ja 5, 4 is there, 40, 5 8 ja 40 or 18 5 ja 90 if you are uh, good in the table then you can do it very easily But here 5 2 ja 10, 3 is there, 35, 5 7 sorry. Ja Five seven ja thirty five. Here we get two numbers eighteen and twenty seven. And again we should run our mind, so we can find out the prime number that we should use to divide the eighteen and twenty seven. And that number is three. Three six ja, eighteen. Three nine ja, twenty seven. Again we use three. Three two ja, six. Three three ja, nine. Now and here problem arises and problem is here these two numbers are two different prime numbers or we are not able to divide it at a time no issue no problem you can divide anyone first here i want to divide 3 first and keep intact 2 so we can divide 3 by 3 only so 3 here 3 1 3 and write down 2 as it is now we can divide now we can divide this 2 by 2 then write down here 2 2 1 2 and 1 as it is keep one contact or intact lcm is equal to multiplication of all these number lcm is nothing but a multiplication of all these numbers or all these prime factors so write down the multiplication 5 5 into 3 into 3 into 3 into 2 5 3 times 3 and 2. 5 3 times 3 and 2. And to avoid the confusion. To avoid the confusion, make a group of 2. Make a group of 2 and do the multiplication right now. Here, 5 3 ja 15. What I, did, what I did here? 5 3ja 15. Then 3 3 ja 9. Write down it here. 9. Then 2 as it is. नाव अगेन मेक अ ग्रुप फिफ्टीन नाइन जा फिफ्टीन नाइन जा वन थर्टी फाइव इंटू टू एंड वन थर्टी फाइव टू जा टू हंड्रेड एंड सेवनटी सो एल्शियम इज इक्वल टू टू हंड्रेड एंड सेवनटी दिस इज द एल्शियम ऑफ बोध दिस नंबर हियर आफ्टर दिस एग्जाम्पल्स वी हैव डिस्कस्ड थ्री एग्जाम्पल्स of the lcm now i give home you homework to i am giving homework to you and homework to you? find lcm find lcm of first number is 63 and 105 and second example is second example is 36 and 40 so you should solve these two examples now come to next one hcf hcf now first we discuss its definition and then some example एच सी एफ इन मैथामेटिक्स द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ टू और मोर इंटीजर्स विच आर नॉट ऑल जीरो इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दिवाइड्स ईच ऑफ द इंटीजर्स इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर द डिवाइड ईच ऑफ द इंटीजर्स बच्चों यहां पर हमें ऐसे सबसे बड़ा या नंबर ढूंढना है जो सबसे बड़ा हो और ऐसा हो कि वो जितने नंबर दिए हैं दोनों को डिवाइड कर सके। एक एग्जांपल देखेंगे तो आप उसको बहुत जल्दी और बहुत आसानी से समझ जाएंगे क्या करना है एक देखते हैं पहले फाइंड एच सी एफ फाइंड एच सी एफ ऑफ सिक्सटी एंड सेवेंटी टू हेयर वी शुड यूज द सेम मेथड एज वी यूज इन द एलसीय जो हमने एलसीयम में मेथड यूज की थी बच्चों वही हमको यहाँ पर यूज करनी है हेयर वी हेव टू यूज द सेम मेथड मीन्स हेयर वी आव टू यूज द प्राइम नंबर्स ऑफ टू डिवाइड दिस नंबर्स और वी शुड फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स नाउ हियर बाय यूजिंग द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू यहाँ पर बच्चों हम डिविजिबिलिटी जो रूल है टू का उसको यूज करेंगे तो यहाँ हमें समझ में आता है वंस प्लेस में जीरो है वंस प्लेस में टू है क्लियर तो अगर ये ऐसा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोनों को टू से डिवाइड करेंगे तो आएगा टू थर्टी या सिक्सटी या टू थ्री जा सिक्स ट्वेल्व होगा आगे और सिक्सटीन टू 32 थर्टी टू या टू थ्री 6। सिक्स अब मुझे यहाँ देखने से पता चलता है कि एट द वंस प्लेस में जीरो है वंस प्लेस में सिक्स है इसका मतलब हम दोनों को टू से डिवाइड कर सकते हैं फिर से टू से डिवाइड करेंगे फिफ्टीन टू जा थर्टी एटीन टू जा थर्टी सिक्स आप कौन सा प्राइम नंबर है जिसको दोनों को डिवाइड कर सकते हैं एंड द प्राइम नंबर इज थ्री थ्री फाइव या फिफ्टीन एंड थ्री सिक्स या एटीन नाउ हियर यू यू हैव टू स्टॉप आपको यहाँ रुकना पड़ेगा बिकॉज देर इज़ अ नो नंबर नो प्राइम नंबर और नो इवन कॉम्पोजिट ऑल्सो बट नो प्राइम नंबर इज अवेलेबल विद अस विच कैन यूज टू डिवाइड फाइव एंड सिक्स एट अ टाइम ऐसा कोई प्राइम नंबर हमारे पास है ही नहीं कि जिससे हम फाइव को और सिक्स को डिवाइड कर सके बस यहाँ छोड़ दो एल में उसके आगे तक हम डिवीजन करते हैं एच में जब ऐसी स्टेज आ जाए जब हमारे पास कोई प्राइम नंबर ना हो इफ वी हैवंट एनी प्राइम नंबर विच कैन वी शुड यूज टू डिवाइड टू नंबर्स एंड हेयर फाइव एंड सिक्स एंड वी हैवंट एनी प्राइम नंबर्स विच शुड वी यूज टू डिवाइड फाइव एंड सिक्स सो वी शुड स्टॉप हियर हमें यहाँ रुकना है और हमें क्या फाइंड आउट करना है एच सी एफ़ कैसे फाइंड आउट करना है जैसे पहले किया था वैसे मतलब जैसे हमने ये तीनों को मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर भी हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे टू इंटू टू इंटू थ्री ग्रुप करेंगे पहले दोनों का टू टू जा फोर इंटू थ्री एंड फोर थ्री जा टल्व सो एच सी एफ इज ट्वेल्व है ना आसान एकदम आसान है एल में तो हमें लास्ट तक डिवाइड करना था यहां जब हमारा कॉमन डिवीजन खत्म हो जाए आपका काम खत्म जस्ट मल्टीप्लाई द प्राइम फैक्टर्स एंड यू विल गेट द एच सी एफ ऑफ द नंबर्स नाउ नेक्स्ट वन वन मोर एग्जांपल एंड नंबर इज ट्वेंटी फोर एंड एटी ट्वेंटी फोर एंड एटी चलिए हम उसको पहले लिख लेते हैं जैसे हमें लिखना होता है लिख लिया अब हमें ये पता चलता है कि द नंबर्स आर इवन नंबर्स एंड सो बौद्ध नंबर सार डिवाइड बाई टू द नंबर्स आर डिवाइडेड बाय टू हियर यहाँ दो लिखेंगे ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर एंड फोर्टी टू जा एटी या नॉर्मल डिवीजन करके भी आप वो कर सकते हैं फिर से हमने टू ले लिया टू सिक्स जा ट्वेल्व टू ट्वेंटी टू या फोर्टी फिर से दोनों इवन मिल गए टू थ्री जा सिक्स एंड टू फाइव जा टेन बस हमारा काम यहाँ रुक गया इसके आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज थ्री एंड फाइव बोथ ऑफ देम आर द प्राइम नंबर्स सो डिविजन इज नॉट पॉसिबल सो वॉट शुड यू डू यर फर्स्ट वी गेट द डिवाइड ट्वेंटी फोर बाय टू देन एटी बाय टू देन सेम टू टू एंड टू टू एंड सो एक्स एफ इज इक्वल टू एच एफ इजिकवल टू टू इंटू टू इंटू टू एंड इट्स मल्टीप्लीकेशन इज एट इट्स मल्टीप्लीकेशन इज एट एट इज द नंबर एट इज द हाइस्ट कॉमन डिविजन बच्चों ये जो एट है ना सबसे बड़ा कॉमन डिविजन है जो दोनों को डिवाइड करने में यूज हम कर सकते हैं या हो सकता है नेक्स्ट नंबर इज फिफ्टी सिक्स एंड एट्टी फोर 56 एंड 84 हम दोनों का क्या फाइंड आउट करेंगे एच दोनों ईवन नंबर है दोनों ईवन नंबर है तो यहाँ टू टू जा फोर वन बज गया टू एट जा फिफ्टी सिक्स यहाँ टू फोर जा एट टू टू जा फोर अगेन दोनों प्राइम मिल गए फिर टू से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ आएगा फोर्टीन यहाँ आएगा ट्वेंटी फोर फोर्टीन टू जा ट्वेंटी एट ट्वेंटी फोर टू जा फोर्टीन फिर से दोनों ही वन मिल गए टू सेवन जा फोर्टीन एंड एयर टू ट्वेल्व जा ट्वेंटी फोर और यहाँ आपका डिवीजन खत्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है या ऐसा कोई प्राइम नंबर है ही नहीं जिसको सेवन और ट्वेल्व को डिवाइड कर सके वी आर नॉट एर इज एंट एनी प्राइम नंबर इज अवेलेबल विच वी कैन यूज टू डिवाइड सेवन एंड फोर्टीन सो एच सी एफ इज इक्वल टू टू इंटू टू इंटू टू एंड इट सेंसरीज अगेन एट सो स्टूडेंट इन दिस वे यू हैव टू फाइंड द एच सी एफ यू है इसको कॉमनली डिवाइड करिए डिवाइड करने के बाद लास्ट तक डिवाइड नहीं करना है जहां यह ऐसा खत्म हो जाता है ऐसे यहाँ पर खत्म आपको करना है मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं होमवर्क आपको जरूर करना है नहीं आता है तो फिर से पहले वाला वीडियो देखना है पहला एग्जांपल है एटीन एंड फोर्टी एट एंड सेकेंड वन इज एटी एंड नाइन्टी सिक्स सो यू हैव टू कंप्लीट दिस टू एग्जांपल्स एज ए होमवर्क तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा